फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको जैसे ब्लाउज के लिए कमेंट्स बॉक्स में पूछा गया कि 32 चेस्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए ब्लाउज के लिए, अब देखिए यहाँ पे मैं इसके बारे में बताऊंगी कि चेस्ट के हिसाब से हमें कितना कपड़ा चाहिए, कपड़े को कैसे नापते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली है। तो वीडियो को पूरा देख लो ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए यहाँ पे हमने ये कपड़ा लिया है। अब ये जो कपड़ा लिया है मैंने, तो ये ब्लाउज पीस है। अभी ब्लाउज पीस जो है इसे हमें इस तरह से लेना है। तो जब भी आपको ब्लाउज पीस नापना है तो कैसे नापते हैं, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो इस साइड में ये कपड़ा आता है या इस साइड में नहीं नापना है, लेकिन ये जो किनारी होती है किनारी के साइड में हमें कपड़ा जो है वो नापना पड़ता है। अब देखिए हमें कैसे कपड़ा नापना है, जैसे ये हमारा सेंटीमीटर है और ये हमारा इंच है, जैसे 1 इंच 2 इंच। ये देखिए यहाँ पे इस साइड में हमारा इंच का आता है और इस साइड में हमारा सेंटीमीटर का आता है, तो हम सेंटीमीटर का नापेंगे कपड़ा जो है वह सेंटीमीटर में नापते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस साइड में हमारा 1 2 3 4 इस साइड में आता है, तो इस साइड में हम ये कपड़े को नापते हैं। ये देखिए इस तरह से जो किनारी होती है किनारी के साइड में हमें कपड़ा नापना है, ताकि आपको समझ में आएगा आपका ब्लाउज पीस कितना है। अब देखिए यहाँ पे हमारा 67 पॉइंट आता है, 67 पॉइंट आता है, यानी कि 70 इंच भी हमारा ये कपड़ा नहीं है, 70 पॉइंट का भी कपड़ा नहीं है। फिर भी इसका जो पना है वो ज़्यादा है, जैसे इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा आती है, तो इसीलिए ये 32, 34, 38 तक यहाँ पे इसमें ये ब्लाउज में बैठ जाएगा। जैसे 40 इंच तक भी हम बिठा सकते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो लंबाई जो है यहाँ पे इसका पन्ना जो है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा कपड़ा जो है इसको भी आपको देखना है, पन्ना ज़्यादा होगा कपड़े का, तो यहाँ पे आपकी जो चौड़ाई होती है यहाँ पे हमारे जो सेंटीमीटर में कपड़ा आता है वो कम होगा, तो भी आपका ब्लाउज जो है वो बैठता है, लेकिन यहाँ पे आपको जैसे लंबाई इसकी चौड़ाई जो है इसका पन्ना जो है वो कम आता होगा, और यहाँ पे आपको जो चौड़ाई में हम जो कपड़ा नापते हैं किनारे पे, तो फिर वो आपको 70 पॉइंट 75 पॉइंट या 80 पॉइंट आपको इस तरह से लेना है। अभी ये बहुत कम कपड़ा है, जैसे 67 पॉइंट यानी कि 17 पॉइंट भी नहीं है, तो इसीलिए, लेकिन इसका पन्ना ज़्यादा है इसमें ये ब्लाउज जो है वो बैठ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें जैसे पन्ना ज़्यादा है इसीलिए ये ब्लाउज जो है वो बैठेगा, लेकिन नॉर्मल जो पीस हम लेते हैं तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जैसे नॉर्मल पीस से क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे 28 30 के लिए आप 70 पॉइंट या 75 पॉइंट्स लेना है, तो 75 पॉइंट्स में आपका ये 28 30 का चेस्ट का जो नाप आता है उसमें ये जो ब्लाउज है वो बैठ जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा यानी कि 32 इंच 34 इंच होगा तो आपको 80 पॉइंट लेना है। 80 पॉइंट यानी कि ये देखिए यहाँ पे आपको जो नीचे यहाँ से आपको 1 इंच 2 इंच है, यह ऊपर के साइड में इंच में है और नीचे जो आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये हमारे सेंटीमीटर में है, तो यहाँ पे आपको 80 पॉइंट लेना है। 80 पॉइंट यानी यहाँ तक आपको लेना है, ये देखिए 80 पॉइंट कपड़ा लेना है, तो 80 पॉइंट कपड़ा लेंगे तो आपका 32 इंच 34 इंच 36 इंच 38 इंच आपका जो है वो बैठ जाएगा, लेकिन 38 से ज़्यादा पना कम होगा, नॉर्मल ब्लाउज होगा तो आपको 80 में 38 इंच तक आप सिलाई कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यानी कि 40 इंच 42 इंच होगा तो आपको 85 पॉइंट आपको सेंटीमीटर जो है वो कपड़ा लेना है, 85 सेंटीमीटर कपड़ा आपको लेना है। उसके बाद 44 46 48 का जो होगा, तो 48 तक आपको, जैसे 46 तक आपको 85 जो लिया था हमने पहले तो 90 लेना है, उसके बाद जैसे 48 के लिए और 50 के लिए आपको 1 मीटर कपड़ा लेना है, लेकिन आपका जो कपड़े का जो पन्ना है वो देख के आपको उसमें बैठ जाएगा, कपड़े में आपका ब्लाउज जो है वो बैठेगा, लेकिन जैसे 40 इंच का हो पन्ना कम होगा और यहाँ पे आपका जो कपड़ा है वो ज़्यादा है, जैसे कि 90 पॉइंट है लेकिन उसका पन्ना कम होगा तो आपका ये ब्लाउज जो है वो नहीं बैठेगा।
आपको इसका ध्यान रखना है, उसका जो चौड़ाई जो मैंने आपको दिखाई थी किनारे की वो देखनी है, और इसका पना जो है वो देखना है। उसमें पना ज़्यादा होगा, ये चौड़ाई कम होगी तो भी आपका ब्लाउज बैठ जाता है, लेकिन पना कम होगा, नॉर्मल पना होगा तो इसमें आपको ब्लाउज जो है वो छोटा नाप होगा 28-30 का, तो आपको 70 या 75 पॉइंट में भी आपका सेंटीमीटर में आपका ब्लाउज जो है बन जाएगा। 32-34-36 के लिए आप 80 पॉइंट का ब्लाउज लेना है, और उसके आगे जो है थोड़ा सा 85 पॉइंट लेना है, और जैसे 40 चेस्ट के लिए, 42 चेस्ट के लिए, 44 और 46 चेस्ट के लिए आपको 90 पॉइंट लेना है, और उसके आगे आपको 1 मीटर कपड़ा लेना है। लेकिन आपको इसका ध्यान रखना है कि आपका जो पना है ब्लाउज का वो कम नहीं होना चाहिए, नॉर्मल पना होगा तो आपको जैसे चेस्ट के हिसाब से जो मैंने कपड़ा बताया है उस तरीके से आप ले सकते हैं, नहीं तो आपको जैसे 40 के आगे आपका जो 40 के आगे आपका 44 के लिए आपको लेना है 1 मीटर कपड़ा लेंगे, क्योंकि नॉर्मल आपका पना होगा, पना कम होगा तो उसको उसके लिए भी आपको 1 मीटर कपड़ा लेना पड़ेगा, लेकिन पना ज़्यादा होगा तो आपका कपड़ा कम होगा तो भी चलता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको चेस्ट के हिसाब से कपड़ा जो है वो कितना लेना है ये मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे आपको किनारी जो है वो नापनी है, उसके हिसाब से आपको ये कपड़ा लेना है, और पना जो है पने की लेंथ आपको देखनी है। तो यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको चेस्ट के हिसाब से ब्लाउज के लिए कितना कपड़ा चाहिए वो मैंने आपको बताया है। जैसे 32 चेस्ट के लिए भी पूछा था कि 32 चेस्ट के लिए कितना कपड़ा चाहिए, आप 80 पॉइंट कपड़ा ले सकते हैं। मैंने जो नाप के दिखाया था आपका, अभी इसका पन्ना ज़्यादा है, लेकिन जो नॉर्मल ब्लाउज होता है यहाँ पे आप किनारी पे नापोगे तो ये 80 पॉइंट आना चाहिए, उसमें आपका 32 चेस्ट का ब्लाउज जो है एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।